में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। आज इस स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो 2% की गिरावट देखी है। आखिर ये 2% की गिरावट क्यों देखी? तो क्योंकि बाजार में ही एक सेलिंग प्रेशर दिखा, जिसका इंडिविजुअल कुछ न्यूज नहीं होने के कारण भी ये इम्पैक्ट रहा। 214 के प्राइस से कंटिन्यूस देखेंगे तो नियर अराउंड 3% के आसपास की डाउन ट्रेंड दिखी है। इंडिविजुअल कुछ भी न्यूज नहीं है। यहाँ देखेंगे अगर इसके न्यूज को तो जियो फाइनेंशियल सर्विस शेयर प्राइस टुडे लाइव अपडेट्स, जियो फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक प्लम्स इन ट्रेडिंग टुडे, और इसके न्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो सभी कॉमन न्यूज है। ऑन लास्ट डे द ओपन प्राइस फॉर जियो फाइनेंशियल वाज 215 और क्लोज वाज 214, और उसके बाद देखेंगे तो कंटिन्यूस जो है डाउन ट्रेंड होते हुए दिखा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,36,000 करोड़ के आसपास का है। क्यों गिरावट रहा वो मैं आपको बताऊंगा, जो दुनिया नहीं बताएगा वो मैं बताऊंगा। इससे पहले देखें कि डिलीवरी बेटर है और टेक्निकल ट्रेंड अगर फाइंड आउट करेंगे तो ट्रेंड भी जो है वीक है। एक बार इसके चार्ट को देखेंगे, इस स्टॉक के चार्ट को ओपन कर लिया है इस समय। कंटिन्यूअस जितने भी व्यूअर हैं सबको पता है इसमें लॉन्ग कब करेंगे, 234 के ऊपर, क्योंकि एक मंदिर बना। अब ये यहाँ पे ज्यादा वीक हुआ। वीक क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी रिलायंस के शेयर होल्डर थे, जिनको भी एज अ डिमर्जर के रूप में शेयर मिला, वो यहाँ पे एग्जिट लेंगे और ये स्टॉक को लाके खड़ा कर सकता है 182 और 90 के बीच में, जो कि हमने आपको कहा कि बेस्ट वैल्यू बाइंग जोन होगा। मिनिमम कहाँ बाइंग करेंगे? 234, इसके ऊपर ही ट्रेंड ऊपर के तरफ जाएगा। लोअर साइड 180 के आसपास तक के लेवल्स दिख सकते हैं। बिल्कुल जो भी न्यूज आ रहा है, जो भी बातें आपसे कही जा रही हैं, सब फरेब है। सच यही है कि यहाँ स्टॉक हो चुका है डाउन ट्रेंड। मिनिमम इसके ऊपर जाए तो यहाँ स्ट्रेंथ बनेगा, इस ब्रेकआउट से ट्रेंड कंफर्मेशन होगा। इस समय ये कैपेबल है 180 तक के डाउन ट्रेंड को लेने को लेकर के। ऑलरेडी हायर प्राइस के फंसे हुए हैं तो एवरेज के लिए 190 के लेवल के नीचे का वेट करें। इस समय बिल्कुल एवरेज आउट कर